साइमा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. पाकिस्तान के दिल लाहौर से, साउथ एशिया का जो पेरिस कहलाता है लाहौर, उससे ताल्लुक है साइमा कामरान का. इनके दो शेरी मजमुए पब्लिश हो चुके हैं और तीसरा जो है वो ज़ेरे तरतीब है. तो साइमा प्लीज अपने हमारे साथ. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. बहुत खुशी हुई कि आपने इतने खूबसूरत, मुझे तो लग रहा है मैं मीना बाजार में आई हूँ, इतनी प्यारी प्यारी शायरात हैं. और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं, मतलब एक मिनट के लिए भी मैं आप लोगों के कलाम से अपने कान जो है समात को इधर उधर करूँ. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम सुना. या आपकी इजाजत से, सदर साहिब सदर की इजाजत से एक नुमाइंदा गजल सुना के फिर चंद अशार सुना के रुख्सत चाहूंगी. अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है. अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता तकमील करती है. बहुत शुक्रिया. मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती है. बहुत शुक्रिया. अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है. मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती है. और कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की, कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की न जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है. बहुत शुक्रिया. अच्छा है. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया नैना आपा. कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की न जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है. नहीं रोती है अब वो बंद कमरे में कहीं घुटकर, नहीं रोती है अब वो बंद कमरे में कहीं घुटकर, वो अपने आंसुओं को शेर में तमसील करती है. वाह कहने, वाह 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 वाह. नहीं रोती है अब वो बंद कमरे में कहीं घुटकर, वो अपने आंसुओं को शेर में तमसील करती है. ये दुनिया साइमा है चंद किरदारों का अफसाना. ये दुनिया साइमा है चंद किरदारों का अफसाना. कभी हाबील करती है कभी काबिल करती है. बहुत शुक्रिया जनाब. मुफाहमत का कोई तो रास्ता निकालना है. मुफाहमत का कोई तो रास्ता निकालना है. जुदाइयों का दिलों से खदशा निकालना है. मुफाहमत का कोई तो रास्ता निकालना है. जुदाइयों का दिलों से खदशा निकालना है. और तवज्जो चाहती हूँ कि मैं खुद ही दुश्मन की खैमा बस्ती में आ गई थी. मैं खुद ही दुश्मन की खेमा बस्ती में आ गई थी. अब इस कबीले से, अब इस कबीले से खुद को जिंदा निकालना है. अब इस कबीले से खुद को जिंदा निकालना है. तुम्हारी महफिल से दिल शिकस्ता चली तो आई. तुम्हारी महफिल से दिल शिकस्ता चली तो आई. गजल लिखूंगी नई के गुस्सा निकालना है. गजल लिखूंगी नई के गुस्सा निकालना है. बहुत शुक्रिया. और उलझता रहता है रोज शाखों से ये क्यों दामन. उलझता रहता है रोज शाखों से क्यों ये दामन. बुजुर्ग बरगद तुम्हारा शजरा निकालना है. बुजुर्ग बरगद तुम्हारा शजरा निकालना है. बहुत अच्छी सायमा, बहुत अच्छे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और बस दो अशार आखिरी एक गजल के जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि रिश्ता दिल कभी आजार भी हो सकता है.
मुश्ताए दिल कभी आजार भी हो सकता है, सर्द लहजा कभी तलवार भी हो सकता है। सर्द लहजा कभी तलवार भी हो सकता है, और इस कदर सर्द निगाही से न देखो हमको, इस कदर सर्द निगाही से न देखो हमको, इतनी नफरत से कभी प्यार भी हो सकता है। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। इस कदर सर्द निगाही से न देखो हमको, इतनी नफरत से कभी प्यार भी हो सकता है। और बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक नसीहत के वापसी का कोई रास्ता भी बचा कर रखना। वापसी का कोई रास्ता भी बचा कर रखना, आखिरी वक्त में इनकार भी हो सकता है। बहुत अच्छे, हकीकत में बहुत अच्छा शेर है, वापसी का कोई रास्ता। बहुत शुक्रिया। वापसी का कोई रास्ता भी बचा कर रखना, आखिरी वक्त में इनकार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहने, बहुत शुक्रिया सायमा कामरान, सूरत बहुत अपना कलाम पेश कर रही थी, बहुत आपका शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा अपने नेक्स्ट